बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर मोहम्मद इरफान, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक से आपसे मुखातिब हूँ। बेटा, हम लोग आज से चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। इसमें देखते हैं हमारे पास जो शॉर्ट सिलेबस जो है उसके मुताबिक सिलेबस की आउटलेट जो है वो हमें क्या गाइड करती है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ये गैस लॉज का है। तो गैस लॉज की स्टेटमेंट क्या है, ये लॉज का वर्ड है, लॉ नहीं है। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें गैस के लॉज की एक कंबाइंड डेफिनेशन बनाई गई है, शॉर्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड का। तो गैस लॉज होते क्या हैं बेसिकली, अगर आप इसको थोड़ा सा देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, ये बेसिकली गैस के वॉल्यूम की रिलेशन होती है टम्परेचर और प्रेशर के साथ, क्योंकि गैस का वॉल्यूम टम्परेचर प्रेशर दोनों से चेंज होता है। गैस के वॉल्यूम पे टम्परेचर का इफेक्ट भी होता है, प्रेशर का इफेक्ट भी होता है। अब टम्परेचर और प्रेशर गैस के वॉल्यूम को कैसे इफेक्ट करते हैं, इस तरह की जो रिलेशन जो वॉल्यूम की टम्परेचर से बने या प्रेशर से बने, उसको हम गैस ला कह सकते हैं। इस रिलेशनशिप में कौन कौन से लॉज आते हैं, इसमें बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है। एक्चुअली क्या है, गैस के हमारे पास चार डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर को अगर आप देखें, आपके सामने शो करता हूँ, ये चार पैरामीटर जो गैस के होते हैं हमारे पास, इनमें गैस का वॉल्यूम है, टम्परेचर है, प्रेशर है और नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के। ठीक है बेटा, तो ये जो फैक्टर है ना वॉल्यूम का, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, ये चार मैंने सिंबल लिखे हैं। जो फर्स्ट वन है वॉल्यूम का, दूसरा सिंबल जो हमारे पास वो टेम्परेचर का है, तीसरा प्रेशर का है और जो चौथा सिंबल है हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल का है। ये चार डिफरेंट पैरामीटर में कहते हैं गैस के। ये वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ इकलाव बनता है, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इकलाव बनता है, वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल के साथ इकलाव बनता है। जो वॉल्यूम टेम्परेचर का लॉ है इसको हम नाम देंगे चार्ल्स लॉ सी। वॉल्यूम ऑफ प्रेशर का जो लॉ होगा इसको हम नाम देंगे बॉयल लॉ। ये हम पढ़ेंगे अभी सारे, मैं हिंट लिख रहा हूँ बॉयल लॉ। और जो थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम का मोल के साथ, इसे नाम देते हैं एवोगाड्रो ला ए। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल चार पैरामीटर हैं, इनमें से कोई से दो फैक्टर मिलके ला बनाते हैं और बाकी दो फैक्टर उस वक्त कांस्टेंट हो जाते हैं। मतलब जब ला बनेगा वी और टी में, पी और एन वहाँ पर कांस्टेंट होंगे। जब ला बनेगा वी और पी का, टी और एन कांस्टेंट हो जाएंगे। जब ला वी और एन का होगा तो टी और पी वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएंगे। अच्छा, बॉयल ला, फर्स्ट ला हमारे पास है हमारे सिलेबस का, हम उसको देखते हैं। ये ला क्या कहता है, बॉयल ला की क्या स्टेटमेंट है हमारे पास। इसकी पहली स्टेटमेंट आती है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उस वक्त टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे। अब कांस्टेंट मोल को हम थ्योरेटिकली किस तरह डिफाइन करते हैं या उसको एडजस्ट करते हैं, वो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं गिवन मास। जब मास गिवन होगा मीन मोल कांस्टेंट होंगे, उस सेंस में डिफाइन किया गया है इसको। आप इसकी मैथमेटिकली फॉर्म जेन में रखें और उस हिसाब से इसकी थ्योरी खुद बेटा बना के ले दो। लाइक ये वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस, तो उस वक्त बेटा फिर टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे एन लिखने की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि आपने थ्योरी के अंदर वर्ड लिख दिया गिवन मास, तो आपका मास कांस्टेंट है, मोल आपके कांस्टेंट है। तो अगर इसके साथ आप एन लिख भी देंगे तो अच्छी बात है, बेहतर लिख दें। अब यहाँ पे कांस्टेंट टी एंड एन, अदरवाइज अगर कोई बच्चा ये लिखता है ना वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इतनी बार लिख देता है तो वो बात गलत होगी, इसकी नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड में। पूरी बात क्या है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस is inversely proportional to pressure at constant temperature है। यानी ये दोनों बातें लाजमी लिखनी चाहिए बच्चों को। तो बेटा ये इस लॉ की पहली स्टेटमेंट थी हमारे पास। जब हमने इसकी प्रोपोर्शन ही ख़त्म करते हैं ना,
ये वाली, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है ये, जिसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं वी इज इक्वल टू कांस्टेंट में वन ओवर पी। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन वन में जहाँ कांस्टेंट है वहाँ मैंने सिंबल लिख दिया के का, तो इक्वेशन वन की वी इज इक्वल टू के इंटू वन ओवर पी, के और वन को मल्टीप्लाई किया वी बराबर के ओवर पी है। अब यहाँ से इसला कि हमारे पास एक सेकेंड स्टेटमेंट भी आएगी, अगर हम इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, देखें पी वी इज इक्वल टू के, तो ये इक्वेशन बन जाती है पी वी इज इक्वल टू के। तो बेटा इस इक्वेशन से आप लॉ की सेकंड स्टेटमेंट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, कंडीशन वही एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल है, ये लॉ की सेकंड स्टेटमेंट आ गई। अब इस इक्वेशन टू को हम दो बार लिखेंगे, एक बार इनिशियल स्टेट के लिए और एक बार इसको फाइनल स्टेट के लिए। तो इनिशियल स्टेट के सिंबल होते हैं वन वन, और फाइनल स्टेट को के सिंबल होते हैं टू, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन टू के भी रिटर्न एज ये पहले लिखा गया इसको फॉर इनिशियल स्टेट पी वन वी वन बराबर के, लेकिन के वन नहीं कहना क्योंकि कांस्टेंट है। फाइनल स्टेट के लिए पी टू वी टू इट इज इक्वल टू के। अब इन दोनों को कंपेयर करें इक्वेशन थ्री और फोर को बेटा, तो इनकी राइट साइड इक्वल है, तो मीन इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, पी वन वी वन बराबर है पी टू वी टू, ठीक हो गया बेटा। ये इक्वेशन आपने यहाँ पर लिख दी इसकी, बाकी आप लोग यहाँ पर ये खुद लिख भी सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अगर दोनों पी एक तरफ निकाल दें पी वन ओवर पी टू दिस इज इक्वल टू वी टू ओवर वी वन, ऐसे के ऑब्जेक्टिव पर बना दिया जाए विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बॉयल लॉ। तो ये इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी है नीले रंग में, ये भी बॉयल लॉ की इक्वेशन ही बनती है, ठीक हो गया बेटा। अच्छा अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है। लॉ क्या पढ़ा आपने, दो तरीके से लॉ का कंसेप्ट आता है, प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, इसको देखते हैं हम लोग। लेट्स अज्यूम करें हमारे पास को गैस है बेटा, उस गैस का जो टोटल वॉल्यूम है ना, मैं वो कह रहा हूँ जी सपोज करें वो टू गैस का टोटल वॉल्यूम 1.8 डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ पे ये वाला ये लिखा है कि V बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, और इसके ऊपर ये एक मूवेबल पिस्टन है, ये जो ढक्कन सा लगा हुआ है ना, उर्दू में ढक्कन पढ़ते हैं, इंग्लिश वाले इसको लेड पढ़ लेते हैं, फिजिक्स वाले इसको पढ़ते हैं पिस्टन, क्योंकि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो गाड़ी के इंजन के अंदर मोटरसाइकिल के इंजन के अंदर होता है, आप नाम सुनते होंगे पिस्टन। तो इस ढक्कन को यहाँ आप लेबल करेंगे मूवेबल और फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, वो पिस्टन जो मूव भी करता है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, और इसके ऊपर वेट रखा हुआ है, जिस वेट से इस पिस्टन के जरिए गैस पर 2 atm का प्रेशर लगता है। प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो जिस वेट ने इस पिस्टन के ऊपर जो है बेसिकली 2 atm का प्रेशर अप्लाई किया, वेट ने प्रेशर पिस्टन पर लगाया, पिस्टन ने आगे गैस पे लगा दिया। अब इस 2 atm प्रेशर अप्लाई होने के बावजूद आपका पिस्टन यहाँ पे स्टेशनरी रुका हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर 25 है, ये जो जगह ना सिलेंडर की ये खाली शो की गई यहाँ पे ट्यूब की, यहाँ कुछ गैस है असल में, यहाँ पर भी कुछ गैस के मालिक्यूल हैं, आप इनको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इस तरह गैस बीच में मौजूद है, और इस यू शेप की जो ट्यूब बनी हुई है इसको नाम देते हैं मानोमीटर, और इसके अंदर ये नीला सा जो लिक्विड फिल किया हुआ है ये मरकरी है, बेसिकली मरकरी वैसे सिल्वर जैसी अपीयरेंस देता है, यहाँ मार्कर के कलर से इसका रंग नीला हो चुका है। ये पूरा क्या है बेटा, ये बेसिकली ये मैनोमीटर है। अब यहाँ से कुछ गैस इसके अंदर यहाँ पे आती है छोटी सी जगह पे, इसलिए गैस के प्रेशर से इधर इस आर्म में इस पोर्शन में मरकरी नीचे को हो गया और यहाँ थोड़ा सा ऊपर को हो गया। अगर हम इस वक्त इसको देखें तो ये लगता है कि जी लॉ को अप्लाई किया जाए पी वन यू वन वी वन बराबर है पी प्रेशर 2 atm वी 1 decimeter cube, इसका आंसर बनता है 2 decimeter, यानी के की
नेट वैल्यू आपके पास 2 बनती है। अब अगर आप इसी गैस के पिस्टन के ऊपर प्रेशर डबल कर देते हैं, डबल कैसे करेंगे, ऊपर इसके 4 2 वेट रख दें क्योंकि हर वेट का प्रेशर 2 atm है, तो आपकी ये गैस कंप्रेस हो गई। देखिए पिस्टन नीचे को आ गया, इसका वॉल्यूम पहले से हाफ रह गया, वी इज इक्वल टू 1.2 dm³ है, 1.2 dm³। और देखें यहाँ से मरकरी और नीचे को हो गया और यहाँ से मरकरी और ऊपर को चला गया, यहाँ से ऊपर को हो रहा है। तो इट मीन प्रेशर बढ़ाया, कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया उसने, पिस्टन को प्रेस किया, पिस्टन ने गैस को कंप्रेस कर दिया और गैस का अंदर वाला प्रेशर भी बढ़ गया, ठीक हो गया, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। अब अगर ला को चेक करें, पी टू वी टू बराबर है, तो बेटा पी आपके पास 4 है, वी 1/2 है, तो इसका आंसर दोबारा 2 बनता है, मतलब पी वी का प्रोडक्ट दोबारा 2 ही रहता है, दोबारा 2 ही रहता है। और ये जो बॉयल ला की सेकंड स्टेटमेंट थी कि प्रेशर और वॉल्यूम अपनी रीडिंग चेंज करते हैं लेकिन उनकी जो नेट वैल्यूज हैं का प्रोडक्ट है वो सेम ही रहता है। अगर हम इसका थर्ड केस देखें ना, अब यहाँ पर उसमें देखें इस पिस्टन पे 3 वेट रख दिए गए हैं और नेट प्रेशर हो गया 6 atm, प्रेशर बढ़ाने से गैस फर्दर कंप्रेस हो गई और मालिक और करीब हो गए, अब वॉल्यूम रह गया 1/3, तीसरा हिस्सा, और यहाँ से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मरकरी का ऊपर को चला गया। अगर आप इस वक्त इतला को वेरीफाई करें P3V3 के नाम पे, तो 6 atm मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये आंसर 2 बनेगा। अच्छा बेटा यह 3 केस, अगर आप कोई से 2 केस तैयार कर लें इनमें तब भी आपके नंबर जो बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक है 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनना 4 नंबर का, उसमें 2 एविडेंस इसके काफ़ी होते हैं, बाकी किसी ने 3 करने हैं वो 3 भी कर सकता है इस पर। तो ये इस बॉयल लॉ की जो थी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। अब देखते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ बेसिकली नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का एक नया मेथड है। एक मेथड होता है आपके पास थ्योरेटिकली, आप थ्योरेटिकली अंग्रेजी की फॉर्म में नॉलेज को लिखते हैं, दूसरा मैथमेटिकल वे होता है, इक्वेशन लिख के नॉलेज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरा जो वे होता है हमारे पास वो ग्राफिकल होता है, इन बहुत बड़ी बात को आप चंद लाइनों से रिप्रेजेंट कर जाते हैं। तो बॉयल लॉ जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर का लॉ है, मतलब इस लॉ में टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा ग्राफ जो आप वॉल्यूम और प्रेशर में ड्रॉ करें जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसे कहते हैं आइसोथर्म। ये डेफिनेशन याद करनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड का, ग्राफ बिटवीन पी एंड वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब बॉयल लॉ के आइसोथर्म हमारे सिलेबस में 3 तरह के हैं, उन तीनों को हम देखते हैं कौन कौन से हैं ये। जी बेटा हम बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल लॉ की। तो इसका फर्स्ट केस है ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इस ग्राफ को समझिएगा जरा, ग्राफ की आप सबको आइडिया है कि 2 एक्सेस होते हैं हमारे पास, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस है। इस ये जो ग्राफ है ये साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उनकी रीडिंग से बनाया हुआ ग्राफ है। बेटा देखिए आप ग्राफ, ग्राफ कहता है कि जैसे प्रेशर बढ़ रहा है ये ग्राफ की जो लाइन है ये नीचे को होती जा रही है, ग्राफ की लाइन नीचे को होती जा रही है। ये तो मतलब क्या हुआ, प्रेशर बढ़ रहा है ग्राफ की लाइन के नीचे होने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, और यही बात हमने पीछे एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन में देखी कि उस पर वेट बढ़ा रहे थे, पिस्टन नीचे को होता जा रहा था, वॉल्यूम कम होता जा रहा था, वही बात यहाँ नजर आ रही, ग्राफ की लाइन का नीचे को होने का मतलब उसका वॉल्यूम कम हो रहा है, और लाइन का राइट साइड पे होना ऐसे आगे को जाना प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब बात यहाँ प्रूव हो जाती है कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होता है। दोबारा बेटा सुनो, लाइन नीचे को भी हो रही मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, और लाइन आगे को हो रही है ऐसे, देखें इधर को ऐसे टूवर्ड्स एक्स एक्सिस जा रही है, लाइन का नीचे को होने का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, लाइन का एक्स एक्सिस की तरफ जाने का मतलब उसका प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये बॉयल लॉ है कि प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक हो गया। अगर हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करके उसका ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे इस केस में 2 ग्राफ नजर आ रहे हैं, हम देखते हैं कि हाई टेम्परेचर वाली रीडिंग से बनने वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वॉल्यूम एक्सिस और प्रेशर एक्सिस से दूर हो गया है। दोनों ग्राफ की एक ही बात है कि दोनों के वॉल्यूम कम हो रहे हैं, नीचे को हो रहे हैं, ग्राफ की लाइंस जो हैं
दोनों के वॉल्यूम कम हो रहे हैं क्योंकि दोनों का प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला ग्राफ दूर क्यों है? फिर बेटा जवाब ये है, जब वो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है गैस का वॉल्यूम भी और प्रेशर दोनों बढ़ जाते हैं, इसलिए ग्राफ की जो लाइन है वो प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस से दूर होती जा रही है। मतलब ये जो 0 सेंटीग्रेड वाला ग्राफ है बेटा, इसका कम से कम जो प्रेशर है ना वो देखें, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ से कम इसका जो प्रेशर है वो ये बनता है, लेट्स वन बनता है, और जो दूसरा ग्राफ है इसका कम से कम जो प्रेशर बनता है वो ये 1.5 के करीब बनता है, 2 के करीब है। बात प्रूव हो गई ना, हाई टेम्परेचर पे प्रेशर ज़्यादा था। पहले वाले ग्राफ का प्रेशर 1 नज़र आ रहा है और दूसरे ग्राफ का प्रेशर मोर देन 1। ऐसे देखें, पहले वाले ग्राफ का कम से कम वॉल्यूम ये बनता है, ये यहाँ सामने लाइन आती है, और ग्राफ 2 का वॉल्यूम कम से कम यहाँ आता है, मोर देन 1 है। तो वर्ल्ड इसका कंबाइंड आंसर ये बनता है, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाते हैं, दोनों की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ग्राफ की लाइन प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस दोनों से दूर हो जाती है। फिर दूसरा ग्राफ होता है इसका, अगर हम ग्राफ ड्रा करें पी और 1/V में, तो वहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के 1/V दोनों दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्ट में क्या होता है, जब एक चीज़ बढ़ती है एक फैक्टर बढ़ता है दूसरा फैक्टर भी बढ़ता है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो बन रहा है। ये बोर्ड के अंदर शार्ट क्वेश्चन आ भी चुका है, आ भी सकता है कि वाई वी गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन पी एंड 1/V। ठीक है, इसका आंसर ये बराबर लिखा हुआ है कि पी एंड 1/V आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, सो वी गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक हो गया बेटा। और इसमें भी देखें, जो हाई टेम्परेचर वाला ग्राफ है वो प्रेशर एक्सेस की तीनी इधर को हो गया है, ऐसे देखिए इधर को, पहले यहाँ तक ग्राफ उसके बाद इधर को हो गया है, टूवर्ड्स प्रेशर एक्सेस हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा गैस का वॉल्यूम भी बढ़ा, लेकिन उसका 1/V कम हो जाएगा, क्योंकि 1/V वॉल्यूम के इनवर्स है। उसका वॉल्यूम बढ़ा लेकिन 1/V कम हो गया, उसका प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने का प्रूफ देखो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ये था, यहाँ था इसके सामने, और इसका ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर आपके सामने ये आता है, ये बेटा मैं बात कर रहा था। देखें इसका इसका ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर आपके पास ये बनता है यहाँ तक, और जो दूसरा ग्राफ आपका है उसका जो ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर बनता है आपके पास वो ये बनता है यहाँ। देखें तो ये वाली वैली जो है ये ज़्यादा है और ये नीचे वाली कम है। ठीक हो गया। इस तरह अगर आप इन ग्राफ तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसका जो वी है वो और है, इसका भी और है। देखें ये यहाँ से रवाज कीजिएगा, ग्राफ 1/V में, तो जो T2 वाला ग्राफ है उसका प्रेशर ज्यादा है, जिसे मैं टिक मारी है जिस जगह पे, लेकिन उसका 1/V कम है, असल में टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया था लेकिन 1/V क्या हो गया था, कम हो गया था। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको एक और तरीके से भी समझाता हूँ। देखिए बेटा, ये हमने पहले जो फैक्टर देखे थे इसको साइड पे करें। देखिए जरा, आपने ये पढ़ी इक्वेशन के, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, जब इसकी प्रोपोर्शन ही खत्म की तो आपके पास कांस्टेंट के आ गया इंटू 1/P हो गया। मैं इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दूं, पी को उधर ले जाऊं, वी को उधर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू के इंटू 1/V। ठीक है बेटा। अब देखें, अगर आप इस फैक्टर को लें और इस पूरे फैक्टर को लें, ये दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, पी के नीचे 1 भी होता है जो हम लिखते नहीं, आप सबको पता है। ठीक है ना, मैं इसको दो तरीके से पढ़ता हूँ, मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ पी और वी इनवर्स हैं। अगर पी को 1/V से पढ़ूँ, देन 1 को साथ शामिल करूँ, फिर कहूँगा पी और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर एंड 1/V आर डायरेक्टली, लेकिन प्रेशर और वी इनवर्सली। ठीक हो गया, बस समझ आ गई। और मैंने कुछ बातें वहाँ पे ये डिस्कस कर रहा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, देखें व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज करता है गैस का, उस वक्त क्या होता है,
वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज करता है, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस, लेकिन जो वन ओवर वी होगा वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वी और वन ओवर वी दूसरे के इनवर्स हैं, डिक्रीज। ठीक है, ये बात उसमें चल रही थी हमारी। अच्छा, हम ये बात अभी कर रहे थे। तो ये इसका सेकंड ग्राफ था, थर्ड ग्राफ आता है इसकी सेकंड जो स्टेटमेंट थी पी वी और के बीच में, पी वी ले लो या के ले लो, बात एक ही है। ग्राफ है बिटवीन पी वी वर्सेस पी। बेटा सुने, ये जो पी एस की वैल्यू है चेंज होती रहेगी एक्स एक्सिस की, लेकिन जो पी वी की वैल्यू है ना आइडल गैस के लिए चेंज नहीं होती। पी वी का प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है, जैसे हमने ऊपर वेरीफाई किया इस चीज़ को, तो पी वी का आंसर 2 आता था। तो देखिए ग्राफ इस तरह जा रहा है हमारा, बिल्कुल इस पोजिशन पर ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है। इसका मतलब है एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ रही है, वाई एक्सिस की वैल्यू नहीं बढ़ रही। ग्राफ अगर ऊपर नीचे होता वाई एक्सिस की वैल्यू चेंज होती। अगर इस तरह का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ रहा हो, ऐसी गैस फिर आइडल गैस कहलाती है। अगर ग्राफ ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए गैस नॉन आइडल होती है। इस थर्ड टाइप के ग्राफ से आप आइडियल और नॉन आइडियल गैस को जो है बेसिकली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये बेटा आपका आज का टॉपिक था। इट्स ओके, अल्लाह हाफिज़।